ये है हमारे रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। ये रेसिपी बहुत इजी है, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लेकर उसमें एक कप बेसन डाला है। उसके बाद उसमें हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है। उसके बाद उसमें हाफ टेबल स्पून जीरा डाला है। उसके बाद इसमें 1/4 टेबल स्पून हिंग पाउडर डाला है। उसके बाद इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाला है। उसके बाद इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डाला है। बाद इसमें हाफ कप पानी डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है ताकि ये बैटर थोड़ा पतला हो जाए। अब ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, ये ज्यादा गाढ़ा या ज्यादा पतला भी नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड के स्लाइसेस को ऐसे ट्रायंगल कट किया है। अब ये ब्रेड के स्लाइसेस को इस बैटर में ऐसे डुबोएंगे। इसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल पहले से ही गरम करके रखा था। अब एक एक करके ऐसे 2-3 ब्रेड के स्लाइसेस कढ़ाई में डाल लेंगे। अब इसे ऑयल में डाल के 1-2 मिनट तक डीप फ्राई करेंगे। धीरे धीरे इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब हमने इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें ऑयल में अच्छे से फ्राई होने देंगे ताकि ये फूल जाए। अब ये पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।